हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वाला डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर और अलग तरह का डिजाइन है और बहुत आसान डिजाइन है। इससे टेबल मैट, मैट वगैरह या कोस्टर वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे 7 चेन से। 7 चेन लेनी है। सर्कल बना लेंगे फर्स्ट वाली चेन में डाल के। इस तरह से 4 चेन, 1, 2, 3, 4 चेन लेनी है। और अब हमें यहाँ पर पफ बनाना है। जो 4 चेन ली है इसके बिल्कुल पास में तो ये भी पफ में आ जाएगी। तो लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हैं और हैवी भी जितना रखना है उतनी बार निकाल सकते हैं। तो 1, 2 हो गए, 3, 4, 5 और ये 6। ये 6 टाइम मैंने बनाया है। मैं इसको इस तरह से बांध लूंगी। ये देख, इस तरह से एक पफ बन गया। फिर 2 चेन नेक्स्ट पफ बनाएंगे और काउंट करके 8 पफ बना लेने हैं सर्कल में। 2, 3, 4, 5 और ये 6। सारे सेम बनाएंगे तो डिजाइन अच्छा आएगा और बराबर बराबर आएंगे। 2 हो गए, फिर 2 चेन नेक्स्ट डालेंगे सर्कल में ही और लेंथ बराबर ही रखेंगे। दो चेन का बीच में हम जगह छोड़ देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए, इसमें मैंने 8 पफ बनाए हैं और अब मैं इसको स्टार्टिंग में जो हमने चेन वाला बनाया था उसमें डाल के जोड़ना है। ये चेन वाला रहा, इसमें डाल के जोड़ लेंगे। अब यहां पर आएंगे और कलर चेंज करना है। जैसा कलर लगाना चाहे चेंज कर सकते हैं। मैं व्हाइट लगा रही हूं यहां पर। तो व्हाइट कलर लगा लेंगे। इसके बीच में, 2 के बीच में बनाना है अब हमें। दो पफ बनाने हैं यहां पर। बराबर ही बनाना है, जितना इसमें लिए हैं इतने ही काउंट करके इसमें लेना है। बीच में 1 चेन इसमें और दूसरा भी सेम जगह पे बनाना है।
ये देखिए इस तरह से दो पब बनाने हैं इसके एक के बीच में, फिर दो चेन लेनी है। यहाँ पर मैंने एक चेन ली है, यहाँ पर दो ले रही है और नेक्स्ट में बना लेंगे। तो इस तरह से पूरा राउंड बना लेना है। दो पब सेम जगह पे काउंट करके बनाएंगे, छह बार निकाल रहे हैं, छह बार ही हमें धागा लेना है। ये देखिए देखिए तीन पब बन गए एक जगह पे। और अब चेन ले लेंगे दो चेन, और अब ये वाला छोड़ देंगे बीच में और इस वाले में डाल लेंगे जो कि ये वाली जगह है, इसी में हम ये बनाएंगे दो वाला, बीच वाला ये छोड़ देंगे। तो कंटिन्यू बनाते जाएंगे, इसमें भी बना लेंगे पफ। ये वाले पफ मैं हल्के बना रही हूँ इस राउंड से, तीन बार निकाल के तीन, फर्स्ट और सेकंड राउंड में हैवी पफ बनाए थे, इसमें मैं अब आगे हल्के इतने तीन टाइम वाले ही बनाऊंगी तीन। और ये जो पफ है हमारे ये बढ़ते जाएंगे, अभी मैंने तीन बनाए, नेक्स्ट राउंड में व्हाइट से बनाएंगे तो चार बनेंगे, फिर पांच बनेंगे, इस तरह से पफ बढ़ते जाएंगे। और ये वाला छोड़ देंगे, इसमें डाल लेंगे तो ये देखिए ये वाला छोड़ के इसमें डालना है, इस तरह से ये भी आठ ही बनेंगे। फिर नेक्स्ट में व्हाइट बनाएंगे, व्हाइट के चार पफ बनाएंगे, ये तीन तीन वाले, तीन बार निकाले हैं जो ये वाले, चार पफ बनेंगे व्हाइट वाले में, ये तीन है तो नेक्स्ट में चार। फिर नेक्स्ट में एक राउंड व्हाइट का होगा, एक मेहरून का होगा। तो इस तरह से हर एक राउंड में बढ़ते, तो ये देखिए ये वाला राउंड पूरा हो गया है। अब इसको जोड़ लेना है स्टार्टिंग वाले से, ये चेन ली थी इसमें जोड़ रही हूँ मैं। ये देखिए दो चेन बीच में लेके बनाया है ताकि ये खिंचा हुआ न रहे और घेर भी बढ़ता रहे। तो इस तरह से ये बनाना है। अब मैं नेक्स्ट व्हाइट कलर चेंज करूंगी, तो इसको हम यही छोड़ देंगे और व्हाइट कलर यहां से शुरू कर लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसे हटा के भी चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको हम बांध लेंगे पहले ताकि ये खुले भी नहीं, बांध लेंगे इसको थोड़ा इस तरह से, इसमें से निकाल लेंगे गिट्टे को और इस तरह से बांध के कैसे भी छोड़ सकते हैं। फिर जब इसकी टर्न आएगी तब हम वापस ये वाला कलर ले लेंगे और अब हम व्हाइट यहां से शुरू कर लेंगे क्योंकि ये इसके बिल्कुल पास में है इसलिए, और अलग से काट के लगाएं तो यहां से भी शुरू कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। तो चार चेन और यहां पर अब थ्री टाइम ही लेना है ये भी, टू थ्री
लेकिन अब पफ बन जाएंगे, चार पफ लेंगे इसमें। इस तरह से हर बार ऐसे ही हर राउंड में एक पफ बना बढ़ा लेना है, तीन, और बिल्कुल पास पास में बनाने। एक, दो, तीन, एक और, तो ये देखिए इस तरह से चार बना लिए हैं। चेन दो ही ले लेंगे, फिर इसमें डालेंगे तो इसमें भी चार ही बनाएंगे। थ्री टाइम बना रहे हैं, तो इस तरह से जितना साइज आपको चाहिए उतना साइज में आप बना सकते हैं इसे, टेबल मैट के लिए या डोर मैट के लिए या जैसे भी ब्लैंकेट बेडशीट वगैरह जो भी आप बनाना चाहें इससे बना सकते हैं। तो ये देखिए दूसरे राउंड में भी इसी तरह से दो दो पफ बना लिए हैं, और अब हमें इसे चेन ली थी जो इस पर जोड़ना है स्लिप स्टिच से। इस तरह से जोड़ लेना है। पहले हम धागा चेंज कर लेंगे, ये वाला धागा लगाएंगे वापिस से मैरून। और चार चेन, और जो ये वाला है इसी में बना लेंगे सबसे पहले। इसमें अब हम राउंड कम ले रहे हैं क्योंकि एक में तीन बनाने हैं, फिर चार, फिर पांच, इस तरह से कंटिन्यू बनाने हैं। एक एक चेन और एक और, हैवी अपने हिसाब से रख सकते हैं कितना हैवी रखना है। एक और, इसमें चेन नहीं लेंगे बीच में, बिना चेन लिए करेंगे। यहां तक मैंने दो दो राउंड में चेन लिए, इसमें चेन नहीं लेंगे। तो कंटिन्यू बिना चेन लिए तीन बनाने एक में ही। तो ये देखिए दो हो गए, एक और बनेगा सेम यहीं पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये बना लेना है डिजाइन। ये देखिए इसके मैंने पांच राउंड व्हाइट के बनाए हैं अभी तक, और छह राउंड मैंने मैरून कलर के बनाए हैं। आपको अगर साइज ज्यादा बढ़ाना है तो आप कंटिन्यू बनाते जाएं, सेम बनता जाएगा। और ये जो पफ है मैंने लास्ट मैरून कलर लिए हैं, 11 पफ बनाए हैं इसमें और 10 व्हाइट में। तो इस तरह से लास्ट फिनिशिंग की है मैंने 11 पफ से। आपको जितना साइज बढ़ाना है कंटिन्यू बनाते जाना है।
जितने पब, हर एक राउंड में एक पब बढ़ा लेना है, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, इस तरह से ये डिजाइन बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ये बना के तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।